चलिए सनरेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी को एक बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में इनसाइड आउटसाइड और डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और पहचानेंगे। साथ साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर, कार्बाइड टूल और सॉलिड टूल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और पहचानेंगे, जो कि ये टूल अक्सर हम लोग जब लेथ मशीन में किसी जॉब को काटिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो मुख्य रूप में ये सब टूल का प्रयोग किया जाता है। और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार का टूल्स उपयोग किया जाता है। हालांकि ये जो टूल्स है अक्सर प्रयोग किया जाता है, तो चलिए देर न करते हम लोग पहला टूल्स को हम लोग जानेंगे। जैसे कि तीन प्रकार का जो माइक्रोमीटर है और बहुत सारा है, लेकिन हम लोग तीन प्रकार के माइक्रोमीटर को अभी पहचान करेंगे। जैसे देखिए, इसको बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर, अरे हो गया आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। तो ये तीनों जो माइक्रोमीटर है, सबसे पहले हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे, समझेंगे। देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर देखने से लग रहा है कि ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। देखने से लग रहा है कि ये अंदर तरफ ही किसी जब को मापता है, बिल्कुल नहीं। देखिए इसलिए इसको आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं हम लोग कि रेचेट के द्वारा इसको हम लोग खोल ये करते हैं। देखिए 25 से लेकर 50 mm तक इस माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी जब का बाहरी व्यास को हम लोग माप सकते हैं। तो इसको हम लोग 00 में लाएंगे, ठीक है, 00 में लाएंगे। इसमें 25 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक हम लोग किसी भी जब का मतलब आउटसाइड को माप सकते हैं, ठीक है, यानी इस भाग से इस भाग को, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो भी जब रहेगा। और रेचेट को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इसी तरह से ये थिम्बल हो गया, ये रेचेट हो गया, ठीक है, ये थिम्बल हो गया, ये रेचेट हो गया। किसी भी जॉब को जो हम लोग आमने सामने करते हैं, सामने जब सड़ जाता है तो रेचेट को एक दो बार अगर चीट चीट आवाज़ किया, कुछ आवाज़ दिया, तो यानी आपको समझ जाना होगा कि नहीं, जॉब को और ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। अगर इसको रेचेट को और ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या हो जाता है, आपका रीडिंग गलत हो जाता है। वहीं पर छोड़ के इसको देखिए लॉक पिन है, लॉक पिन के द्वारा इसको हम लॉक कर देते हैं, उसके बाद इसको माप को हम लोग जानते हैं। तीसवें हम लोग जानते हैं जैसे कि और टूल से, यह हम लोग भार्नियर कैलिपर भी देखे हैं मापने के लिए। इसमें 0 से लेकर 0 तक एक राउंड घुमाएंगे तो क्या होता है, 0.5 खुलता है मैम, दो बार घुमाएंगे तो 1 mm खुलता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए कैसे इसको मापते हैं, आपका मन मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसको कैसे मापेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये आपका एक जॉब है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको घुमाएंगे, घुमा घुमा के सामने से रख लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये किसी न किसी कोई न कोई माप में ही इसका व्यास पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि छोटा पड़ जा रहा, तो इसको हम लोग
इस तरह से इसको हम लोग मापेंगे इसको, तो पता चल जाएगा। देखिए जैसे कि आपका इसका अगर मान लीजिए कितना ही मोटा है तो इससे पता चलेगा। देखिए इसको ऐसे पीछे लेकर आएंगे और ऐसा करके इसको हम लोग सामने से हटाएंगे। तो इस तरह से जब को मापा जाता है, रीडिंग लिया जाता है, ठीक है, इस तरह से रीडिंग लिया जाता है। देखिए उसके बाद इसको लॉक कर दिया जाता है और माप को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से जॉब को यानी आउटसाइड के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जॉब को मापते हैं किसी भी जॉब का आउटसाइड को। उसके बाद देखिए इनसाइड, इसको बोलते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, इनसाइड माइक्रोमीटर है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रेसेट के द्वारा इसको आगे पीछे करते हैं। देखिए खुलेगा ही, यानी ये आपका जो है एक मूवेबल जा होता है, एक फिक्स जा होता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं किसी भी जॉब का अंदरूनी भाग पर, जैसे कि ये आप देखिए एक जॉब है मान के चलिए, तो इसके ये जो होल है, होल दिख रहा है, इस होल को हम लोग जानने के लिए कितना मिलीमीटर है, तो इस तरह का हम लोग माइक्रोमीटर का प्रयोग करके, माइक्रोमीटर प्रयोग करके हम लोग इसको जान सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से सामने से हटाएंगे, देखिए रखें, और इसको हम लोग इस जगह में देखिए देखिए आराम से घुस जा रहा है, तो इसको धीरे धीरे आउट करेंगे। देखिए ऐसा करके हम लोग इसको जान सकते हैं कि कितना ये व्यास है ना। तो इस तरह का माइक्रोमीटर हम लोग किसी भी जॉब का अंदरूनी भाग को मापने के लिए, जैसे कि खोखले पाइप हो गया, पाइप के अंदरूनी व्यास को माप जानने के लिए, उस तरह का जो भी आपका जॉब रहेगा तो उस भाग को, अंदरूनी भाग का माप पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करके उस मान को हम लोग जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस जगह में क्या करते हैं हम लोग, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। सेम उस जिस तरह से आउटसाइड माइक्रोमीटर में घुमाते हैं, थिम्बल से घुमाते हैं और एचएट को इसको हम लोग ये करेंगे, आवाज जैसे आएगा एक से दो बार तो उसको हमको समझ जाना होगा कि नहीं आपका इस सही रीडिंग अभी है। उससे अगर ज्यादा कसेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग आपका गलत देगा, ठीक है। तो इस तरह का जॉब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट जैसे कि होगी आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। इसी में देखिए गेज रखा हुआ है, गेज से इसको हम लोगों को गेज लगाना पड़ता है। देखिए गेज, अलग अलग प्रकार का गेज है। ये जो गेज है किसी न किसी माप का रहता है, चाहे 50 mm का हो, चाहे 30 mm का हो, है ना। इस तरह देखिए अलग अलग ये आपका गेज है, छोटा से लेकर बड़ा, मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 50 है। तो इससे क्या होता है, इस भाग में इसको लगाकर, इस भाग में इसको लगाकर क्या करता है हम लोग, किसी भी जॉब का अंदरूनी भाग का व्यास को पता कर सकते हैं, मतलब गहराई। एक गहराई मान लीजिए कोई होल है, ड्रिल होल है, उस होल के कितने गहराई तक मतलब उसे ड्रिल किया हुआ, ये होल के कितने गहराई तक ड्रिल किया हुआ, इस तरह का मतलब गेज लगाकर डेप्थ माइक्रोमीटर में किसी भी होल की गहराई को हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी होल की गहराई को हम लोग पता कर सकते हैं कितना मिलीमीटर गहराई तक ये आपका होल किया हुआ है। बहुत जो मतलब जैसे कि जॉब में कुछ दूरी तक होल किया हुआ है वो आपका आर पार दिखता नहीं है, जिसको हम लोग ब्लाइंड होल बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्लाइंड होल बोलते हैं, तो उस जगह में इस तरह का गेज को हम लोग लगाकर क्या करते हैं, होल को पता करते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार का है, इस तरह गेज को इसमें फिटिंग करना पड़ता है, देखिए इसमें फिटिंग करना पड़ता है और फिटिंग करके हम लोग उस जॉब को ये कर सकते हैं, माप सकते हैं, देखिए ठीक है, माप कर सकते हैं।
ये देखिए है ना। तो इस तरह का औजार को क्या बोलते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर। यानी ये जो तीनों और बहुत सारा है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ टूल्स आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये सब जो मेजरमेंट औजार है एक सूचतम मापक यंत्र है, इसके द्वारा एक्यूरेट हम लोग माप ले सकते हैं, 0-0 माप ले सकते हैं, बहुत ही सूचतम मापक यंत्र है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग जैसे कि देखिए इसको पहचानेंगे, ये आपका क्या बोलते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, देखिए डायल है ये, डायल टेस्ट इसको इंडिकेटर बोलते हैं। जब किसी जब को लेथ मशीन में बांधते हैं, बांधने के बाद उसको 0-0 काटना पड़ता है, 0-0 मिलाना पड़ता है, तो इस तरह का मार्किंग मतलब टूल्स का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम रखा गया है क्या, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। इसको डायल बोलते हैं, इसको इंडिकेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए फ्रेम है, ये सब अलग अलग पार्ट में, इसमें क्या किसी भी जगह बांध सकते हैं, इसमें देखिए मैग्नेट लगा हुआ है, ये आपका ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, हम लोग किसी भी एंगल में इसको जब को रख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जब को मार्किंग कर सकते हैं, कहीं भी लगा कर, इसे जरूर नहीं कि किसी बेस पर रखना है, कहीं भी रख कर हम लोग क्या करते हैं इसके किस जब को हम लोग मार्किंग करते हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, डायल टेस्ट इंडिकेटर, क्या रखा गया है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसमें देखिए 0-0 इसमें आपका रीडिंग देता है, इसमें जैसे जब टच होगा इसमें, इसमें आपका रीडिंग बताएगा इसमें, ठीक है। तो ये आप किसी ने ये एक बेस के ऊपर में एक फ्रेम लगा हुआ पिलर है, पिलर में देखिए इसमें आपका एडजस्ट करने के लिए स्क्रू है ना, इसमें हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं, लग करते हैं, लग करके हम लोग जब को एक निश्चित जगह में रख बांधते हैं, बांधने के बाद जब को मार्किंग करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया डायल टेस्ट इंडिकेटर। जैसे कि ये आपका लेथ मशीन में जब कटिंग करने के लिए इस तरह का टूल का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम रखा गया क्या, कार्बाइड टूल बोलते हैं इसको। ये आपका क्या, रेडियस कार्बाइड टूल है, क्या है, रेडियस कार्बाइड टूल है। जब जब किसी जब को रेडियस टाइप का कटिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उस समय ये रेडियस कार्बाइड टूल का प्रयोग करके हम लोग जब का रेडियस कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये भी कार्बाइड टूल है, ये भी टूल बोलते हैं इसको, है ना, ये भी टूल है, ये देखिए इसमें भी आकार का बना हुआ है, इसमें हम लोग जब किसी भी जब को फिनिशिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, अनावश्यक धातु को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भी टूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा क्या, कार्बाइड टूल। ये कटिंग टूल तीन प्रकार का होता है, एक नंबर में है क्या है आपका, टिप टूल होता है, कार्बाइड टूल होता है, और सॉलिड टूल होता है। तो जैसे कि आप एक कार्बाइड टूल हो गया, ये आपका सॉलिड टूल, सॉलिड टूल ऐसा एक टूल है जिसके द्वारा हम लोग निम्न टूलों का आकृति बना सकते हैं, आकृति बनाकर उसको क्या करते हैं हम लोग, जब किसी न किसी जब को कटिंग करते हैं। जैसे कि अब इसमें सॉलिड है, अब कोई इसमें टूल का आकृति नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के माध्यम से चाहे भी टूल बनाएंगे, चाहे पार्टिंग टूल बनाएंगे, चाहे ग्रुप टूल बनाएंगे, चाहे मतलब आपको जो टूल की आवश्यकता है वही टूल आप बना सकते हैं ग्राइंडिंग के माध्यम से, यानी ग्राइंडिंग करके आप आराम से बना सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा क्या, सॉलिड टूल, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, सॉलिड टूल है, ये सॉलिड है, इसको हम लोग ग्राइंडिंग के माध्यम से टूल का रूप दे सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।